मैं लिखने जा रहा हूँ तो तुमको क्या लिखना है, ये वाली लाइन और ये वाला कॉलम, बोलते जाना सर सर मन ही मन, क्लास में होते थे तुम आर आर वाई वाई आर आर वाई वाई, आता तो वही है आर आर वाई वाई पर कैपिटल की स्मॉल, ठीक है, गाना नहीं गाना होता है, ठीक है, और जब टेबल पूरी होती है तो बोलो जेब हमारी, ठीक है, ऐसा नहीं करना है, ऐसे आज ही जनता ऐसे ही गाना गाती है, लास्ट में तो ऐसा गाना चल रहा है आर आर वाई वाई सौंदर्य सामुनि, ऐसा चलने लगता है, ठीक है, कॉम्बिनेशन बनाना है, तो आर वाई का कॉम्बिनेशन, बोलो समझ में आया कि नहीं आया। अब तुम ये भी तो बोल सकते हो सर आपने इसको ऐसा क्यों नहीं लिखा, आर वाई क्यों नहीं लिखा, लिख सकते हैं, वो एक ही प्लांट का हिस्सा होंगे, ठीक है, लेकिन जो जिसका पार्टनर है उसको उसके पास में रखो ना, फैमिली फोटो में जो जिसके भैया वर्ग भी है, ठीक है, जो जिसका पार्टनर होता है उसी के पास में तो खड़े रखते हैं सबको, ठीक है, भाभी और जीजा जी को तो साथ में नहीं रखते, हाँ नहीं, हाँ तो जो जिसका पार्टनर है उसको उसके साथ में रखना है, क्लियर, गुड, मैंने सही सही लिख दिया है मेरे हिसाब से, कहीं कुछ गलती हो तो बता देना मेरे को, ठीक है, कैसे बताओगे तुम, ऑनलाइन टीचिंग का यही है, तुम बैठे बैठे क्या बोलोगे, ठीक है, लाइव क्लासेस में तुम कमेंट कर दोगे कि सर इसका क्या, मैं जवाब ही नहीं दूंगा फिर क्या कर लोगे, ठीक है, हाँ ऑफलाइन में तो फिर भी तुम लोग आगे बोलते हैं सर ये नहीं बताया वो नहीं किया यहाँ पे जिंदा हुआ, ठीक है, ऑफलाइन इंटरेक्शन बहुत अच्छा रहता है, ऑनलाइन तो खैर वक्त की डिमांड है, अब तुम लोग आदत मत लगा देना कि रजाई में पड़े पड़े सोते रहेंगे अपन अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, ठीक है, एक आदमी है जिसका ब्लड ग्रुप ए बी है, एक औरत है हाँ जिसका ब्लड ग्रुप ओ है, तो ब्लड ग्रुप ए वाला चाइल्ड होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, अब ये मत बोलना सर पहले शादी तो होने दो, तुमको ये सब तुमको सवाल दिया हुआ सवाल के ऊपर फोकस करना है, सर को कैसे मालूम पड़ेगा क्या होगा, ठीक, हमको पूछा है ब्लड ग्रुप ओ वाले का परसेंटेज बताना है, तो टोटल चार में से ब्लड ग्रुप ओ वाले कितने हैं, एक, चार में से केवल एक ही, कितना ब्लड ग्रुप ओ वाला कितना हो जाएगा 25% बच्चा, ठीक है, ये केवल पॉसिबिलिटी इसकी बात हो रही है, ठीक है, 25% बच्चे मतलब क्या सर, बहुत सारे बच्चे ऐसा नहीं, ऐसा नहीं पूरा बड़ा भरा हुआ ऐसा नहीं, ठीक है, हाँ संभावना व्यक्त की जा रही है, ठीक है, और संभावना अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कि ऐसा हो, हाँ रेसिप्रोकल क्रॉस ऐसा एक्सपेरिमेंट का सेटअप जिसमें सपोज करो मैंने कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया एक्सपेरिमेंट वन, ठीक है, उसमें और किसके बीच में क्रॉस किया ए और बी के बीच, ए और बी बोलेंगे सर हमको ही क्यों पकड़ते हो बार बार, हम पकड़ेंगे मैथ्स वाले बच्चे एक्स वाई के पीछे पड़े रहते हैं, मानो कि एक्स इमोशनल नहीं होना है कि अरे यहां पर मैं ए को एज अ फीमेल पेरेंट्स यूज कर लू बी को एज अ मेल माँ बाप भी बदल दिए, ठीक हाँ कि आपस में चेंज कर देना, ठीक है, मान लो कि मैं कैसे बताऊ ये दो चौक है एक बार इसको मेल मान लू इसको फीमेल मान लू अगले एक्सपेरिमेंट में अब इसको मेल और इसको फीमेल की तरह कंसिडर करो अक्षय कुमार वाला मीम्स हो गया लेकिन अल्टीमेटली बायोलॉजी को याद रखना है, बायोलॉजी को अल्टीमेटली सबको याद रखना है, या पर फिर भी जिसमें अगर तुमको एक स्टेप आ गया तो आगे का स्टेप ऑटोमेटिकली नहीं होगा, यहाँ पे नहीं है कि हाँ फिनोटाइप आ गया तो जीनोटाइप अपने आप आएगा ऐसा नहीं है, ठीक है, जेनेटिक आसान में बताते कि उसको सही से समझा जाए या और यहाँ पर तुमको पूरी गारंटी मिलती है, ठीक है, तुम बोलोगे आह मजा आ गया, ऐसा कौन बोलता है पता नहीं, ठीक है, कुछ कुछ लोग ऐसे बोलते हैं जैसे तुम यूट्यूब वगैरह वीडियो देखोगे दे आर लाइक मैं तुमको सब बता दूंगी या मैं तुमको सब कुछ सिखा दूंगा, ठीक है, ऐसे टीचर भी है, ठीक, तो ऐसे सब तो कोई सिखा नहीं सकता है,
सीखना तुमको ही है बेटा, ठीक है, कोई कुछ भी बोले सीखना तो तुमको ही है। अगर मन लगा के ध्यान से देखोगे, चीजों को सुनोगे, सीख जाओगे। हो सकता है एक बार देखोगे नहीं समझ में आएगा, अल्टीमेटली आएगा।